हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको नेनुआ और आलू की सब्जी बताऊंगी। तो नेनुआ और आलू की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ में कटे हुए नेनुआ लिए हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको मीडियम साइज़ में इस तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर बारीकी से कटे हुए लंबे लंबे पीसेस में स्लाइसेस में प्याज और आलू को अच्छी तरीके से हमने छील कर कट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने टमाटर को भी मीडियम साइज़ में कट किए हैं। अब हम मसालों में दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गोलमिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर लिए हैं। और हमने दोस्तों यहाँ पर फ़ौरन के लिए सबसे पहले जीरा, मेथी, तेज़पत्ता और यहाँ पर हमने दो हरी मिर्च लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिए हैं। इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग कर दोस्तों हम नेनुआ की सबसे टेस्टी और आसान तरीके से सब्जी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों इस रेसिपी को बिना देर किए बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे। तेज़पत्ता डालने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें हम मेथी ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च और इसे अच्छी तरीके से हल्के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हमें थोड़े तेल में भून लेने हैं। उसके बाद अब हम इसमें मीडियम साइज़ में पतले पतले स्लाइसेस जो हमने प्याज को कट कर दिए हैं अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मीडियम गैस का फ्लेम करके भून लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, प्याज को ज़्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं भूनना है, मात्र इसमें हल्के कलर चेंज होने तक ही इसे थोड़े भून लेने हैं। उसके बाद जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से प्याज में हमें भून लेना है। प्याज में अदरक लहसुन भूनने के बाद दोस्तों हमने जो मसाले आपको शुरुआत में बताए थे अब हम उस मसाले को यहाँ पर हम सभी मसाले को एक साथ डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से प्याज के साथ हमें मसालों को भून लेने हैं और प्याज में अच्छी तरीके से मसालों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब हम इसमें थोड़े पानी ऐड करेंगे, सिर्फ मसाले भुनने भरी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसे अच्छी तरीके से गैस का फ्लेम मीडियम करके हमें मसालों को थोड़ी देर भुनना है। 5 मिनट मसालों को लगभग भुनने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें जब तेल छोड़ने लगे तो इस स्टेप में हमें गर्म मसाला और मीट मसाला दो हम इनमें मसाले डालेंगे सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए। तो इन मसालों को हम ऐड कर देंगे इन मसालों में और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़े पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सिर्फ मसाले भूनने भरी, ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसे अच्छी तरीके से 2 मिनट कंटिन्यू चलाकर भून लेने हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं तेल अच्छी तरीके से छोड़ दिया है। अब हम इसमें आलू भी डाल देंगे और आलू को मसाले के साथ लगभग 2 से 3 मिनट भून लेंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमने आलू को मसाले में भून लिए, इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है। अब हम इसमें मीडियम साइज़ में जो कटे टमाटर हैं अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इस स्टेप में दोस्तों गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारे आलू, मसाले, टमाटर सब अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें जो नेनुए हमने मीडियम साइज़ में कट रखे हैं अब हम इस स्टेप में डाल देंगे और इसे भी मसालों में कंटिन्यू चलाकर 2 मिनट भून लेंगे। अभी दोस्तों नेनुआ में बिल्कुल भी पानी नहीं डालने हैं, क्योंकि नेनुआ खुद पानी छोड़ता है। इसे दोस्तों हम 5 मिनट ढककर बिना पानी डाले ही पकाएंगे गैस का फ्लेम मीडियम करके। 5 मिनट के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे नेनुए जो हैं थोड़े हल्के गल चुके हैं। नेनुए हल्के गलने के बाद दोस्तों इसमें बढ़िया कलर आने के लिए अब हम इसमें थोड़े कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे, ताकि बढ़िया कलर आए। दोस्तों ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो इसमें डालिएगा, अगर नहीं हो तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। और इस कश्मीरी मिर्च को हमने मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं। दोस्तों अब हमारे सभी नेनुए अच्छी तरीके से मसालों में भून चुके हैं। अब हम इस स्टेप में इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे सब्जी
जो है पक चुकी है। अब हम इसमें पानी डाल दिए हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमारे नेनुए भी पानी ऑटोमेटिक छोड़ता है। तो गैस का फ्लेम दोस्तों हमने स्लो पर कर दी है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर हमें इसे 5 से 10 मिनट ढक कर पका लेने हैं। दोस्तों आप इसे बीच बीच में एक बार दो बार चला देने हैं ताकि हमारे नेनुए कढ़ाई में सटे नहीं। दोस्तों हमें गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो कर लेना है। 10 मिनट के बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारी नेनुए की सब्ज़ी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और यह अच्छी तरीके से मसालों में पक और गल चुका है। देख सकते हैं दोस्तों इसमें कितना बढ़िया कलर आया है। दोस्तों इसमें का आलू भी अच्छी तरीके से अब पक चुका है। अब आप देख सकते हैं, हम इसे आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसे कांटे के चम्मच से आप लगाइएगा तो स्मूथली घुस जाता है, तो समझ जाइएगा कि हमारे आलू अच्छी तरीके से पक चुकी हैं। अब हम इस स्टेप में दोस्तों गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी सब्ज़ी नेनुए की अच्छी तरीके से टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारे नेनुए की सब्ज़ी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस नेनुए की सब्ज़ी को एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं कि यह कैसा बना है। देख सकते हैं दोस्तों, इसका कलर बहुत ही बढ़िया और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो इसे आप अपने घरों में एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। दोस्तों इस नेनुए की सब्ज़ी आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।